गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहे तो भी अतृप्ति ना होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है। इसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। महाभारत में भी कहा है, सर्वशास्त्रमय गीता भीष्म 43:2। परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है, इसीलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अतृप्ति ना होगी। स्वयं भगवान वेद व्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यो शास्त्र संग्रहो या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रुता महाभीष्म 43:1। गीता का ही भली प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है।